देवेंद्र अग्रवाल फ्रॉम मेसा टेलीकॉम, कैसे हैं आप सभी लोग? 28 मार्च की बैच एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। फिर आ गए, होली खत्म करके खर्च बताया, मन तो नहीं था होली खेलने का, फिर भी होली खेले और जबरदस्त खेले। और रमजान चल रहा है और हमने कुछ पहली बार ऐसा हुआ है कि तीन साल या चार साल में हमने बाद में, क्योंकि उससे पहले हम पता नहीं कब कब हमारा बैच लगता था, बट हमने 4 साल बाद हमारी बैच को 28 तारीख को न लगाकर आज हमारा 30 तारीख है, आज 29 तारीख भी याद नहीं है। आप कह सकते हो देवेंद्र अग्रवाल को तारीख ही नहीं पता है। हेलो, हमें ऐसा बनना है, तारीख मैटर नहीं करती है, हमारे लिए टाइम मैटर नहीं करता है, हमारे लिए हमारा काम प्रोफेशनल तरीके से होना, पूरा होना और उसका रिजल्ट मिलना सबसे इंपॉर्टेंट है। यस सर। भाई तारीख देखकर काम करने वाला आदमी मेरे हिसाब से नालायक होता है। हेलो, यस सर। मंडे को यहाँ जाना, संडे को यहाँ जाना, 8 बजे वहां बैठ, नहीं भाई, नालायक ही नहीं बनने। खैर, मैं आया हूँ देवेंद्र अग्रवाल अपनी 28 मार्च के बैच के साथ एक नया जोश के साथ और एक विश्वास दिलाने के लिए इनके घर वालों को कि ये बिल्कुल सही हाथों में है और जो आप सोच के भेजे इनको और आपने इन पर ट्रस्ट किया कि जाओ एसर टेलीकॉम में जबलपुर जाओ और कुछ सीख के आओ, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब कुछ वो सीखेंगे जो इनकी उम्मीद से ज्यादा होगा। हेलो, यस सर। कौन कौन सीखेगा यहाँ से? चलो मैं आपको पहला विश्वास दिलाता हूँ, दूसरे दिन में ये लाइव डुअल डे करके सीपीयू कम से कम 5 बार रिवॉल्व करके जाएंगे, कौन कौन करेगा? तीसरे दिन में लाइव पावर आईसी लगा के जाएंगे, डाटा शीट बनाएंगे कम से कम 2 या 3 बार, कौन कौन करेगा? और चौथे दिन में लाइव सीपीयू लगाएंगे कम से कम 2 या 3 बार, कौन कौन करेगा? और एक पूरे नंगे रोड को चालू करेंगे। हेलो, और हर दिन हर सर्किट को सिर्फ सीखेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ काम होते हुए नहीं देखेंगे, खुद प्रैक्टिकली वहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे लगा हर एक एडवांस फीचर वाला टूल उसको यूज करेंगे, DSO चलाएंगे, हर एक लाइन की फ्रिक्वेंसी समझेंगे, वोल्टेज समझेंगे, IC स्विचिंग कैसे करता है। हम अपने काम को एडवांस तरीके से करेंगे ताकि स्मार्ट तरीके से हम अपने कम समय में अपने अधिकतर काम को कर सकें, बट हमारा टाइम ड्यूरेशन का कोई लिमिटेशन नहीं है। हेलो, हम तो यहाँ पर पूरे तरीके से समर्पण करके आए हैं सर, है ना? इनने मेरे से एक वादा किया है, वो भी सुना देता हूँ, आप सुन लो मेरे से कि सर मेरे को खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं है। किसी को है क्या? अगर मैं 3 घंटे बाद में खाना खिलाऊं तो चलेगा? बट सर ये होगी कि मैं भी आपके साथ ही खाऊंगा। हेलो, ये नहीं कि मैं खाना खा के आ गया और आप लोग भूखे हैं, ना? इक्वलिटी होनी चाहिए आप में और हम में, है ना? पर यार नॉलेज में आपको इनको कोई भी 1 रुपए की भी कमी नहीं होगी। और सच बता रहा हूँ, डेली इनको देखना, सुबेरे देखना, दिन में देखना और रात में इनको जरूर देखना करीबन 10 बजे, क्योंकि रात में हम इनके साथ लाइव आएंगे और इनसे पूछेंगे कि आज दिन में आपने क्या क्या किया। हेलो, लाइव कोई DSLR से नहीं, तो दिल से निकालना अपने लिए। हेलो, आज मैंने, आज सर ने क्या सिखाया, मैंने क्या प्रैक्टिकल किया और मैं आखिरी में क्या लेके जा रहा हूँ। हम हर डेली लाइव आए, बताओ, ताकि अपने काम को दूसरों को दिखा सके। यहाँ बैठा हर एक स्टूडेंट, कोई भी अपना मुंह नहीं छुपाएगा, कोई भी टीचर अपना मुंह नहीं छुपाएगा, हर टीचर खुल के यहाँ पे आप पूरी लाइव देख सकते हैं, बट म्यूट रखेंगे लाइव को, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, पर हम दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ बैठे नहीं होते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा भाई हमारे को ज्वाइन करेंगे दुर्गेश सर, उनके लिए जोरदार ताली दे दो। दुर्गेश सर इनको जबरदस्त, इनको हार्डवेयर का नॉलेज तो देंगे ही, डिस्प्ले सेक्शन इनका, लाइट सेक्शन हो गए और जो माइक स्पीकर जो छोटे छोटे सेक्शन होते हैं, प्लस इनके साथ में प्रोग्रामिंग, एक इनके लेटेस्ट जो विंडो 11 के लैपटॉप है उनके अंदर फ्लैशिंग अनलॉकिंग ये सारी चीज़ें उनको डिटेलिंग करके इन्हीं से करवाएंगे, इन्हीं के हाथों से प्रैक्टिकल होगा। दुर्गेश सर के लैपटॉप या उनके थ्रू कुछ भी नहीं होने वाला, हर चीज़ का ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे फ्लैशिंग होनी है इन्हीं के फोनों पर काम करवाएंगे, यहाँ के कोई फोन यूज़ नहीं होंगे। दूसरी बात, फिर इसके बाद हमारे को ज्वाइन करेंगे मिलन सर, एक बार जोरदार ताली दो। मिलन सर इंडिया के बेस्ट UFI और एक UFS ट्रेनर हैं और बेस्ट है, और वो एसर टेलीकॉम के एक बहुत पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं और टीचर हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिलन सर का नॉलेज सबसे बेस्ट है UFI, और क्योंकि वो आपको जो ट्रेन करेंगे कोडिंग के साथ और लाइव सेटों में काम करेंगे स्टूडेंट के, और स्टूडेंट से MMC प्रोग्राम करवाएंगे। हेलो, yes, आप में से बेटा हर कोई MMC को प्रोग्राम करके जाएगा, कौन कौन जाएगा यहाँ से? yes,
सिर्फ यूएफआई देखोगे नहीं, खुद से चलाओगे। यस सर। नहीं होगा ऐसा टेलीकॉम देगा। हेलो, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यूएफआई है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यूएफ अनलॉक टूल है, सारे टूल है जो हम उनको वर्किंग टाइम देंगे ड्यूरिंग ऑन क्लास, और ये हॉस्टल भी ले जा सकते हैं अपना अगर कुछ रात में काम करना हुआ, और उसकी कमी हम कभी लाने नहीं देते क्योंकि रात में हम इनको सोने देते हैं, क्योंकि भेजेंगे इनको रात के 12 बजे 1 बजे। हेलो यार, मिलन सर के क्लास में होगी सिर्फ एमएमसी नहीं, उनके क्लास में होगी ब्लैक पेस्टेड क्लासेस। हेलो यस सर। एक कड़क बोर्ड कौन सा हो सकता है आपको पता है? अगर मैं आपको बताता हूँ, खैर आपको नहीं पता होगा मुझे पूरा यकीन है, और पता भी होगा तो आधा अधूरा। सबसे ब्लैक पेस्टेड जितना कड़क होता है ना वो ओप्पो वीवो के होते हैं, बराबर? यस सर। उसमें प्रैक्टिस के लिए जो सबसे कड़क होता है वो होता है ओप्पो A37। हेलो यस सर। डबल लेयर का ग्लू होता है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो कम से कम हमारे पास उसका 10-10 बोर्ड होना या मिनिमम 5 बोर्ड, समझ रहे हो? यस सर। चालू हैंडसेट का है ना? यस सर। ताकि हमारा प्रैक्टिस उन बोर्ड पे हो जो बिल्कुल हमें बताए कि हमारा व्यू कट करने का एमएमसी की रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। डेड फोन पे प्रैक्टिस करना नहीं है। हेलो। और कम से कम 6 दिन लगातार एमएमसी और ब्लैक पेस्टेड पे काम करेंगे। यस सर। 1 रुपए का डर नहीं रखेंगे अपने अंदर। हेलो सर। सीपीयू एमएमसी और ब्लैक पेस्टेड पावर तीनों निकाल के लगा के सेट चालू करेंगे। यस सर। कौन कौन करेगा जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा बिलीव मी, आप इतना इजी, मिलन सर के पास एक ट्रिक है 30 सेकंड के अंदर ग्लू कट करने की, 30 सेकंड के अंदर बिना कोई लिक्विड, बिना कोई खास ट्वीजर या इक्विपमेंट, 30 सेकंड के अंदर आपका ग्लू कट करके आपके हाथ में देंगे। अब वो एसएमडी की क्या हीटिंग है, कौन सा नोजल है, कौन सी एसएमडी है, वो सब आपको क्लास में बताएंगे प्रैक्टिकल करके और आपसे करवाएंगे। यस सर। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। क्या कट करेंगे? ग्लू कट। आईसीयू उतार के ग्लू कट करेंगे। हेलो। यस सर। कौन कौन करेगा जल्दी बताइए। यस सर। और मैं तो आपको इतनी चाइनीज मैटर सिखाऊंगा इतनी कि आप बिलीव नहीं कर सकते। और हम सर्किट को जैसे लाइट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो हो गया, चार्जिंग हो गया, नेटवर्क हो गया, हम आईसीओ को बिना ऑन करके हम उसको रिक्वायरमेंट पूरी करके उसको ऑन करेंगे। हेलो। यस सर। हम इस बोर्ड में लाइट भी जलाएंगे, लाइट जलेगा प्रॉपर, पर हमारा फोन ऑफ रहेगा, समझ रहे हो? यस सर। हम सर्किट को पूरा इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि हम किसी भी बोर्ड में वो सर्किट को मॉडिफाई करके बना सके, समझ रहा? यस सर। हर सर्किट को सीखेंगे और कहीं भी लाइट उतार सकते हैं। यस सर। अगर हमारे पास किसी घर के अंदर एक हमें अगर इसके अंदर भी लाइट देनी है तो हम अपनी पीसीबी रखकर यहाँ पर लाइट का सेक्शन बना सकते हैं। हेलो। यस सर। और एक चार्जर लगाया अंदर लाइट जल जाएगी, आप ये मॉडिफाई कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को इस तरीके से सीखेंगे, बराबर? यस सर। हम फोन फॉल्ट फाइंडिंग हम किसी सेट का एक फॉल्ट बनाने के लिए नहीं करेंगे, हम सर्किट को सीख कर उसको मॉडिफाई करेंगे। यस सर। हम सीपीयू तक जाएंगे, किस तक? सीपीयू तक। बिना सीपीयू उठाए हम कोई भी काम करने नहीं वाले। हेलो। यस सर। सीपीयू का डर सबको निकालना है। हेलो। यस सर। स्वैपिंग करने का डर सबको खत्म करना है। हेलो। तो यार तरीके वाली क्लास होने वाली है 28 मार्च, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजती है, एक बार अपने घर वालों के लिए भी ताली बजाओ जिनके भरोसे, और इनको विश्वास दिलाओ कि मैं करके आऊंगा। बोलो भैया, डेड फोन के अंदर कॉन्सेप्ट कितना इजी किया मैंने, आप सोच नहीं सकते। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहली बार हुआ कि एक टीम जीती और उसका दूसरी टीम जो थी जो हारी थी वो फिर जीत। यस सर। जीत हार कुछ नहीं है, खेल में मजा आया और सबने खेला। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? यस सर।